संसद के मॉनसून सत्र में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। खासकर सभापति जगदीप धनखड़ और सपा से सांसद जया बच्चन के बीच हुई तीखी नोकझोंक चर्चा बन गई है। बात यहां तक बढ़ गई है कि जया बच्चन ने दो टूक कह दिया है कि सभापति को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने सभापति पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सभापति को घेर रहा है। विपक्ष अब संविधान के अनुच्छेद 67 बी यानी इम्पीचमेंट मोशन के तहत सभापति के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस नोटिस के लिए 87 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि यह अनुच्छेद 67 बी क्या है। दरअसल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 बी कहता है कि उपराष्ट्रपति को तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा के सभी सदस्यों की ओर से प्रस्ताव पारित हो और लोकसभा भी उस प्रस्ताव पर सहमत हो। इसके लिए 14 दिन का नोटिस देना होता है। अनुच्छेद 67 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक लेटर लिख उस पर दस्तखत कर अपना पद त्याग सकता है। विपक्ष से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि बीते शुक्रवार को राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा को अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया था कि विपक्ष सभापति धनखड़ को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने भी शुक्रवार को आरोप लगाया कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ का रवैया पक्षपातपूर्ण दिखाई देता है और हालत यह है कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सूत्रों के मुताबिक सदन में हो रही तमाम नोकझोंक के बीच विपक्ष सभापति के खिलाफ अनुच्छेद 67 बी के तहत एक्शन की मांग कर सकता है।